जय आरसीएम दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के इस लाइव वेबिनार में और सक्सेस टॉक विद सक्सेस पीपल के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। और जो आपका रिस्पांस आ रहा है, जो आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं हम लोग, आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी पिन जिसे स्टार डायमंड कहते हैं। स्टार डायमंड का मतलब 50 करोड़ का बिजनेस एक साइड में, 50 करोड़ का बिजनेस दूसरी साइड में, मिनिमम जिनका बिजनेस 100 करोड़ का होता है, ऐसी शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में है। और वो शख्सियत जब किसी ऑडिटोरियम में एंट्री करती है तो ऑडिटोरियम में तालियां, सीटियां, एक्साइटमेंट, मोबाइल, हु हल्ला, लगभग लगभग 1 घंटे तक का उनका सीटियों से, तालियों से, एक्साइटमेंट से स्वागत होता है। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है, आरसीएम बिजनेस की पावरफुल शख्सियत और आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी पिन के मालिक, स्टार डायमंड। मैं बुलाने जा रहा हूँ मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी का। हम जोरदार तालियों के साथ आज अपने इस चैनल, आपके अपने चैनल महावीर सारंग पे वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी, हमारे चीफ गेस्ट आज के प्रोग्राम के। जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करते हैं। रवि जी, स्वागत है आपका आरसीएम के इस पहले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सर की एक खूबसूरत पहल करने के लिए। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी खूबसूरत पहल आपने करी, जहाँ पर आज आपने आरसीएम बिजनेस को लेके किस तरीके से इस बिजनेस में लोगों ने सफलता प्राप्त करी, उनकी कहानियां, उनकी स्टोरी, किस तरीके से एक आम आदमी इस बिजनेस में आकर खास बना, वो सब आज आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। तो मेरी बहुत सारी विशेष आपके साथ है, इसी तरीके से चैनल आगे बढ़े और लोग इसको देखें और आप नए नए लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएं और एक आम आदमी को यह बताएं कि किस तरीके से वो आरसीएम बिजनेस में आगता आम बनकर ही है, लेकिन वो खास बन जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और आपने समय दिया उसके लिए हम एडवांस में आपका बधाई देना चाहते हैं। सारे व्यूवर्स की तरफ से हम आपका वेलकम करना चाहते हैं इस चैनल पे, और हम वादा करते हैं सर, इस चैनल को हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल चैनल बनाएंगे। आरसीएम की एक ऐसी एजुकेशन जनरेट करेंगे हम कि लोगों को माइंड सीड मिले, लोगों को ऐसे बीज मिले जिनसे बड़ी कामयाबी का पेड़ तैयार हो जाए। और रवि शर्मा जी, हम आपके बारे में आप सारी चीजें जानना चाहते हैं। अगले लगभग 40-45 मिनट जितना आप वक्त देंगे उतना हम आपके साथ रहेंगे। सबसे पहले हम अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आपको रिकमेंड किया, आपको इनवाइट किया और आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले सर, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं सर, आपकी फैमिली और आपके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर। आपका बोर्न जगह कौन सा है, जन्म कहाँ हुआ, और थोड़ा सा कितने भाई बहन है, सब लोग जानना चाहते हैं सर, तो प्लीज आप बताएं सर। जी महावीर जी, मैं जरूर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा यहाँ पे। मैं गरीब परिवार से निकला हूँ, जैसा कि मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मेरे फादर बहुत गरीबी देखकर आगे बढ़े और आज एक छोटे से मुकाम पर हैं। बहुत छोटा परिवार है हमारा, जहाँ पर मैं हूँ मेरे माता जी हैं, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मेरी दो सिस्टर है और मेरा एक छोटा सा परिवार है। और इस बिजनेस को पिछले काफी समय से हम कर रहे हैं। और जहां तक मेरी बात है, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया। उससे पहले मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था पिताजी के जाने से पहले, तो उससे पहले मैं एक बहुत बड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक डायरेक्ट डायमंड्स जो होते हैं उसकी बहुत अच्छी नॉलेज मैंने बेल्जियम से ली थी। और वहां से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं डायमंड्स का काम स्टार्ट कर दिया था और मैं डायमंड बिजनेस जी किया करता था। और डायमंड बिजनेस के साथ साथ जैसा कि मेरे परिवार में ट्रेजेडी हुई और ट्रेजेडी होने के बाद मैं इस बिजनेस के अंदर आया, उससे पहले मैंने डायमंड का बिजनेस बहुत अच्छा किया। मेरा बहुत अच्छा डायमंड्स का काम था, मैं एक व्यापारी था, बाहर से मैं डायमंड्स मंगवाता था और इंडिया के अंदर डायमंड्स की ज्वेलरी, रफ डायमंड्स हमारे यहाँ पे आते थे, उसके बाद हम उनको यहाँ पे रूप दिया करते थे। एंड सॉलिटर से लेके ज्वेलरी हर चीज का मैंने अपना एक काम था मेरा। लेकिन इस बिजनेस की पावर जब मुझे पता लगी तो धीरे धीरे मैंने उस काम को अपना पूरा वाइंड अप कर दिया और आज फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी माता जी का है, मेरे परिवार का है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे एनर्जी दी और जिन्होंने मुझे वो ताकत दी कि जिस तरीके से तुम्हारे पापा ने एक मुकाम हासिल किया है, उसी तरीके से उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आरसीएम के अंदर बहुत अच्छा काम करो, शुरुआत करो, अंत की चिंता मत करो। तो उसी प्लेटफॉर्म को पकड़ते हुए महावीर जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी, तो आपने बताया सर डायमंड का व्यापार आप जब पापा जिंदा थे तब भी कर रहे थे सर। जी, मेरे फादर जब थे उस समय मैं इस बिजनेस को कर रहा था क्योंकि मेरा एक पैशन था। डायमंड
हर आदमी एक पैशन होता है, और मेरी ये ज्वेलरी एक पैशन थी। मुझे बड़ा मजा आता था डायमंड्स के अंदर खेलना, और शायद कहीं ऊपर वाले को ये चीज पसंद आई, इसलिए आज आरसी में भी वही लेवल है कि लोग उसी लेवल से क्या बुलाते बात हैं। तो डायमंड्स मेरा शुरू से बिल्कुल पैशन रहा है, और फादर जब मेरे थे तो उस समय मैं बिजनेस कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। जी। अच्छा सर, आपकी हमने थोड़ी रिसर्च किया सर, तो आपकी फेसबुक वॉल पे हमें कुछ ऐसी फोटोएं दिखी जिनमें आप लुक लाइक के स्टार और हीरो की तरह दिख रहे थे सर, तो क्या आपने मॉडलिंग भी किया है, आपका कोई शौक था सर वो भी? नहीं, महावीर जी, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। मैं बेसिकली मैं शुरू से बिल्ड अच्छी रही है, और एक्सरसाइज का शौक शुरू से रहा है। जैसा कि हमारे आरसीएम का नारा भी है कि हमारे को सबसे पहले सिखाया जाता है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने आप को फिट रखिए। तो ये चीज मैं पहले से जी करता आ रहा था, और बहुत कम उम्र में मैंने एक्सरसाइज चालू कर दिया। एंड मैंने मिस्टर नॉर्थ इंडिया फाइट किया, और नॉर्थ इंडिया फाइट जी करने के बाद फिर कुछ मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने टी सीरीज के लिए भी काम किया। मेरे कुछ वीडियोज क्या हैं बात लेकिन मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं कुछ इंडस्ट्री के अंदर, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित जी, आपने कभी नाम सुना होगा, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में म्यूजिक दिए हैं, वो मेरे बहुत जी अच्छे जी दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। ललित पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे काफी बार अप्रोच भी किया उस समय जब मेरी बहुत अच्छी फिजिक हुआ करती थी या मैं मॉडलिंग किया करता था। मैंने काफी काफी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किए, रैम शोज किए, और उसके बाद उन्होंने मुझे मुंबई के लिए बोला कि आओ तुम यहाँ पर कुछ सीरियल्स वगैरह के लिए तुम्हारे ऑफर हैं, लेकिन सर डेस्टिनी को जी कुछ और मंजूर था। और कहते हैं कि ऊपर वाला जिसकी जिंदगी में जो चीज लिख देता है उसको वहीं जाना होता है। तो ये एक छोटा सा पार्ट रहा मेरी जिंदगी का, और जैसा कि आपने मेरी वॉल पर जाके इतना गौर से देखा, तो उसके लिए महावीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो क्या हम ये उम्मीद करें सर कि भविष्य में हमारे रवि शर्मा जी हमें फिल्मों में भी नजर आ सकते हैं? सर देखिए, हाल फिलहाल तो ये फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल आरसीएम के लिए बहुत बड़ा करना है सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, पब्लिक जानना चाहती है, व्यूवर्स के बहुत सारे सवाल ऐसे भी आए हैं कि क्या रवि शर्मा जी की शादी हो गई? बिल्कुल सर, मेरी शादी हो गई है, और ये सवाल अक्सर मेरे सामने आता रहता है, और जब ये सवाल मेरे सामने आता है तो मैं जब कोई पूछता है मैं जरूर बताता हूँ कि बिल्कुल मेरी शादी हो गई है, मेरे दो बेटे हैं, और जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे उससे 1.5-2 साल पहले मेरी शादी हो चुकी थी। राजस्थान के अंदर बहुत कम क्या उम्र बात में शादी हो जाती है सर। जी। और आपके दो जी बेटे हैं सर, नाम जान सकते हैं, कितनी उम्र में है, कौन सी क्लास में मेरा पढ़ते एक हैं? बेटा जी सर मेरा एक बेटा है, वो 7 साल का है, जिसका नाम अंशुमान है, एंड मेरा दूसरा बेटा है जो 5 साल का है, जिसका नाम विवान शर्मा है। क्या बात है सर, अंशुमान और विवान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं सर? सर एक अभी 2nd क्लास में आया है, और एक अभी सीनियर केजी के अंदर है। ओके सर, थोड़ा मैडम का नाम भी जानना चाह रहे हैं सर। मेरी वाइफ है, उसका नाम है प्रियंका, प्रियंका शर्मा। क्या बात है सर, सर ये उम्मीद करें सर कभी बड़े प्रोग्राम में उनसे मुलाकात होगी। डेफिनेटली, और मेरा ऐसा रहता भी है, और मेरी काफी लोगों से मुझे शिकायत भी मुझे करते हैं कि सर आप फैमिली को लेकर नहीं आ पाते। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जी जी सबको आज बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मेरी मदर को पिछले 18-20 साल से अर्थराइटिस है, और जी चूंकि जी जिस तरीके से आज मेरी मदर घर में अकेली है, तो मेरे बच्चे छोटे थे उस समय जब मैंने आरसीएम में कदम रखा था, तो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ जी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, और मेरी मदर का ट्रेवलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो इतना लंबा ट्रेवल जी नहीं कर जी पाती है। तो मेरी वाइफ का अक्सर यही कहना होता है कि पहले मैं परिवार को संभाल लूं और आप उधर बिजनेस को संभाल लीजिए, धीरे धीरे जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो सब मिलके एक दिन जरूर हम मिलके इस बिजनेस को करेंगे। तो ये मेरी वाइफ के और बहुत मेरी बढ़िया मदर सर, के थॉट हैं। जी। थोड़ा मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूवर्स को सर, रवि शर्मा जी के पापा जो है ओपी शर्मा जी अभी दुनिया में नहीं है, उन्होंने ये बिजनेस बिल्ड किया था और एक बड़े लेवल पे उन्होंने ये बिजनेस सेकेंड जनरेशन को रवि शर्मा जी को विरासत में दिया है, और आज हमें ये बताते हुए बड़ा गर्व फील होता है कि रवि शर्मा जी ने उनकी विरासत को जो मिली है उसको इन्होंने 4 चांद लगाए। आज हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर नेम अगर किसी लीडर्स में आता है, आरसीएम के लीडर्स में, तो रवि शर्मा जी का नाम लिया जाता है। जब ये हॉल में एंट्री करते हैं लोग इनसे मिलते हैं, इनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, इनको टच करने के लिए दौड़ते हैं। और जैसा इन्होंने फैमिली के बारे में बताया, पारस देवी शर्मा जी भाभी जी का नाम है, और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। रवि सर आपको बताना चाहता हूँ, मेरा पहला प्रोग्राम था 23 अक्टूबर 2001 को सर राइस के नगर में, जब रवि सर ये ओपी शर्मा जी भाभी जी को लेके आए थे सर, और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, और आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस आशीर्वाद का ही नतीजा है कि आप और हम मिल रहे हैं सर सेकंड जनरेशन के। बहुत बढ़िया रवि सर, आपसे बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा थोड़ा सा एक सवाल और जानना चाहते हैं रवि सर, बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल भी आ रहे थे, लोग आपके बारे में जानना भी चाहते हैं कि सर आज इस लेवल पे आके आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ऐसा एग्जाम्पल देते हैं टाइम मनी सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी को ज्यादातर हाईलाइट किया जाता है,
आज मल्टी लेवल मार्केटिंग में आरसीएम पहली वो कंपनी है सर जिसमें आप जैसा एक सशक्त और मजबूत, जिसकी लाखों रुपए, मैं ये कहूँ 30-40 लाख रुपए महीने की भी इनकम है, इतना बड़ा एग्जाम्पल आज नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योरिटी का किसी कंपनी के पास नहीं है। आप उसका एग्जाम्पल है, आप सेकेंड जनरेशन है, और इस लेवल पे आपको कैसा महसूस होता है सर, और क्या संदेश देना चाहेंगे व्यूवर्स को सर कि किस तरह से उनको आरसीएम करना चाहिए, और आपके क्या भाव है वो हम व्यूअर्स के तक पहुंचाना चाह रहे हैं सर। देखिए, मैं महावीर जी यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आरसीएम मेरी नजर के अंदर हकीकत में दुनिया का बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म। और ये मैं बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आज मेरे पास कोई लेवल है। आप अपने जी जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस दिमाग अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल हटाते हैं कि रवि शर्मा के पास कोई लेवल है इस कारण से मैं इस बिजनेस को खूबसूरत बता रहा हूँ। नहीं, ये बिजनेस खूबसूरत इसलिए क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपके वो सारे सपने, एक इंसान आज के इस दौर के अंदर या तो पैसा कमाता है तो टाइम छोड़ देता है, टाइम कमाता है जी तो पैसा छोड़ देता है, और कई लोग तो दोनों भी नहीं कमा पाते, और कभी कभी दोनों दो कमाने के कारण से कई लोग अपने आप को खो देते हैं। तो आज जी आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ा जो खूबसूरत चीज है, जो मेरे परिवार ने भी देखी और मैंने भी देखी, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस आपको टाइम देगा, मनी देगा, सुरक्षा देगा, और ये तीनों चीजें आप पूरे वर्ल्ड में घूम जाइए, आपको ये तीनों चीजें जी कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बिजनेसमैन पैसा कमा सकता है लेकिन समय नहीं कमा सकता, वो समय अपने परिवार को जी नहीं दे सकता। अगर आप नौकरी के जी अंदर हैं तो आप नौकरी के अंदर ना समय कमा सकते हैं और ना टाइम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, और सुरक्षा सुरक्षा दोनों के पास ही नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सिर्फ समझने की जरूरत है। यहाँ पर मैं एक जी बात सबको क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है आरसीएम बिजनेस को। दो चीजें होती है, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना और आरसीएम बिजनेस को समझना, दोनों में फर्क है। लोग आरसीएम को जी ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन समझते नहीं है। तो मैं सभी व्यूअर्स जी से एक चीज कहना चाहता हूँ, ज्वाइन करने से पहले आप आरसीएम बिजनेस को समझिए कि ये बिजनेस क्या दे सकता है। और मैं वादा करता हूं, अगर आप समझ गए तो महावीर सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आज इस बिजनेस की ताकत को लोग समझ गए तो हर घर के अंदर एक रवि शर्मा होगा। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात बोली सर। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल और है सर। जी आपके परिवार में पापा चूंकि जॉब में थे और फर्स्ट ग्रेड की जॉब थी, और बहुत अच्छे लेवल पे भी वो थे, जॉब में भी उनकी उस समय अच्छी सैलरी थी, आपसे ही हमने सुना है सर, और बाद में आपने आरसीएम की लाइफ को भी देखा है, तो आपको क्या लगता है सर, नौकरी और व्यापार, आरसीएम बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है सर, मेजर डिफरेंस क्या है, और व्यूवर्स को क्या आप सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, मेरे परिवार के अंदर मेरे फादर ने कचोरी भी बेची, जैसा कि आप सब लोग मेरी स्टोरी जानते हैं या कई बार सुन चुके होंगे। मेरे जी फादर ने नौकरी भी करी और आरसीएम भी किया। मैं अगर कंपैरिजन करता हूँ फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो सपने, आपके जो ख्वाब उम्र के साथ साथ खत्म होते जा रहे हैं। रीजन, कमाने जी के चक्कर में काम करने के कारण हम इतने बिजी हो चुके हैं कि हमारे सपने, हमारे ड्रीम टूटते जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आरसीएम बिजनेस वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और पैसा तो आप इस बिजनेस में कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन पैसे के साथ साथ जो प्यार, जो सम्मान, जो रेस्पेक्ट, जो इज्जत, पूरा हिंदुस्तान में आपको लोग पहचानते हैं, आपको प्यार करते हैं, आप किसी भी लेवल पर हो, आप किसी भी उम्र के अंदर हो, कोई महत्वपूर्ण यहाँ पर कोई चीज महत्व नहीं रखती। यहाँ पर सिर्फ एक चीज महत्व रखती है, वो है आपका डेडिकेशन, आपके सपने, आपके ख्वाब। ये कॉन्सेप्ट, ये प्लेटफॉर्म पूरा करेगा ही करेगा। और मैं समझता हूं कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं नौकरी और आरसीएम के बारे में, तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। आरसीएम जी वो सब चीजें दे सकता है जो नौकरी आपको किसी हालत में नहीं दे सकती। और मैं यहाँ पर महावीर जी आपको बताना भी चाहूंगा कि मेरे फादर खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई, उसके बाद ये बिजनेस मुझे ट्रांसफर हुआ, साथ में नौकरी भी मुझे मिली क्योंकि वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए जी थे, तो नौकरी भी मेरे पास आई। तो मैंने उस नौकरी को छोड़ के आरसीएम को एक्सेप्ट किया। अब या तो यहाँ क्या पर दो बात है सर, चीजें हैं, यहाँ पर दो चीजें, या तो मैं माइंड से डिस्टर्ब हूं या इस कॉन्सेप्ट में ताकत है। अब आप सोच लीजिए क्या नजर आ रहा है आप लोगों को। अगर मैं आज नौकरी कर रहा होता तो मैं कहाँ होता? मुझे आज 50,000 रुपए की सैलरी में पहुंचने में पूरी जिंदगी निकाल देनी पड़ती थी, लेकिन आज आरसीएम जी बिजनेस प्लेटफॉर्म ने आसमान की ऊंचाइयों को पहुंचा दिया। और ये रवि शर्मा के साथ ही नहीं होगा, ये हिंदुस्तान के हर उस डायरेक्ट सेलर, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होगा जो एक सपना देख के आरसीएम आना चाहता है। तो हम उनके साथ हैं, आरसीएम उनके साथ है। जी जी बहुत बढ़िया सर, रवि सर ने बताया नौकरी और व्यापार में जो इनका डिफरेंस है, जो इनकी सोच है, ये बहुत बढ़िया है सर। इनको भी नौकरी ऑफर हुई थी और आज इन्होंने चूज किया मल्टी लेवल मार्केटिंग या आरसीएम बिजनेस, ये बड़े गर्व की बात है। जितने व्यूवर्स आज हमारे देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ सर, नौकरी का मतलब एक समझौता है और व्यापार का मतलब एक फ्रीडम की लाइफ है। रवि सर ने जैसा कि बताया
टाइम मनी और सिक्योरिटी तीनों चीजें किसी एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है तो वो डेफिनेटली आरसीएम बिजनेस है। तो वो सारे लोग भाग्यशाली हैं जो अभी स्टूडेंट है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ने सवाल भी पूछा था कि सर स्टूडेंट क्या इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट मैसेज उन लोगों के लिए है जिन व्यूवर्स ने ये सवाल पूछा था क्या हमें नौकरी को प्रेफरेंस देना चाहिए या बिजनेस को। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां टाइम मनी और सिक्योरिटी तीनों चीजें एक साथ मिलती है। बहुत बहुत बढ़िया रवि सर, बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल भी पूछे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ सवाल भी हम ले सकते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जब से ये डाला है ना सर, तब से बहुत सारे लोगों के सवालों की झड़ी लग चुकी है। सारे सवाल लेंगे ना सर तो इस प्रोग्राम को हमें 7 दिन तक लाइव करना पड़ेगा। तो हमने कोशिश की है सर कि कम से कम सवाल अच्छे अच्छे छांट के हम लेके आए हैं जो सारे व्यूवर्स के फायदे का है। इसमें पहला सवाल है सर, विजय प्रताप सिंह जी आपसे सवाल करना चाहते हैं सर कि सर जब इस बिजनेस की परिवार में एंट्री होती है तो बहुत सारे लोग घर में आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को ये फालतू काम लगता है जैसा कि बहुत सारा लोग ऐसे सोचते हैं। तो जब आप बच्चे थे आपके घर में बहुत सारे लोग आते थे, पापा ने ये बिजनेस शुरू किया, तो क्या आपको भी उस समय फालतू काम लगता था जब आप बच्चे थे, जब आपको पूरा इसका विजन का पता नहीं था, तो आप क्या सोचते थे सर उस समय? बिल्कुल महावीर सर, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ऐसा माहौल शुरुआत में होता है और ये सबके साथ होता है। यहाँ पर जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई अचीवर अगर अचीवर बना है तो वो अचीवर मात्र बातों से या घर बैठने से नहीं बना। जब भी जिंदगी में कोई बड़ी सफलता लेनी होती है तो छोटे मोटे संघर्ष तो जिंदगी में आते ही आते हैं। तो मेरे परिवार में भी लोग आते थे, मेरे पिताजी से मिला करते थे। मुझे आज भी याद है कि जब बिजनेस चालू हुआ था तो जोधपुर से विजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, जो आज डायमंड है, उनके साथ उनको पूरी टीम हमारे घर पर आया करती थी। कभी कभी तो दो दो दिन ठहरा करते थे, उनके खाने की व्यवस्था। तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के कभी ट्रे ले जा रहा हूँ तो ट्रे में चाय जा रही है, कभी बिस्किट जा रहे हैं, और अक्सर डिस्टर्बेंस तो होता ही था। हरियाणा की टीम आया करती थी तो घर पे 2 दिन ठहरा करती थी। तो अल्टीमेटली डिस्टर्बेंस तो होता है, लेकिन कहते हैं कि डिस्टर्बेंस के बाद की जो सफलता, मतलब दर्द के बाद का जो सुकून है, वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो कहीं ना कहीं वो दर्द शुरू में लगता था कि बहुत दर्द है, लेकिन इस दर्द की गहराई क्या थी वो पिताजी जानते थे। और ये आप लोगों के साथ भी होगा, अगर आपके घर में कोई आ रहा है, वो चाहे नया आदमी है चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, और आपको थोड़ा सा उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, या वो आपके टाइम को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके परिवार को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आज वो डिस्टर्बेंस आने वाले समय के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में काम करेगी। तो उससे डरिए मत, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, खूबसूरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा आगे जाके। क्या बात है सर, बहुत अच्छा सवाल का जवाब आपने दिया सर। तो मैं ये मेरे बच्चे को बता सकता हूँ, टेंशन मत लो, आज जो आप डिस्टर्ब हो रहे हो कल आप रवि शर्मा वाली पोजीशन पे जाने वाले हो। नहीं बहुत महावीर सर, बढ़िया सर, होता अगला भी है। सवाल है सर। सर थोड़ा जी और जी कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हम एजुकेशन लेते हैं तो डिस्टर्ब नहीं होते हैं क्या? पढ़ाई भी करते तो जी डिस्टर्ब तो होते हैं ना, कि जब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 सिखाया जाता तो दिमाग में वो डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन वो बिल्कुल डिस्टर्बेंस सर, जिंदगी को सेट करती है। तो जिंदगी का राइट एक पार्ट राइट है कि जब आप कोई शुरुआत करते हैं तो डिस्टर्बेंस तो हर चीज में होगा, लेकिन उस डिस्टर्बेंस जी के जी बाद का जो तो बेनिफिट है, अगर वो समझ गए, आपने लक्ष्य पर कॉन्सेंट्रेट किया, दर्द पर जी कॉन्सेंट्रेट थैंक नहीं किया, देन यू आर ए सक्सेसफुल मैन। यू सर, थैंक यू। अच्छा एक सवाल और आ रहा है, सुरेश मांगल जी श्री गंगानगर से हैं, वो जी कह रहे हैं सर आरसीएम जब आपके पापा ने शुरू किया था तो क्या कौन सा उनके दिमाग में ऐसा माइंड सेट था कि उन्हें तभी लग गया था कि ये बिजनेस आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ेगा? उस समय उन्होंने कैसे सोचा? क्या वो इतनी बड़ी बातें उस समय भी करते थे? बिल्कुल महावीर जी, इसके लिए तो मैं आपको बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि मेरे फादर का व्यू इस बिजनेस को लेके इतना क्लियर था, उनका कंसेप्ट, उनका विजन इतना क्लियर था कि जब ये बिजनेस हमारे परिवार में आया तो उन्होंने इस बिजनेस को समझा। देखिए यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, पहले समझा, मैं रिपीट करना चाहूंगा, ज्वाइन नहीं किया, समझा कि बेसिकली है क्या चीज। और जब उन्होंने इस बिजनेस की डेप्थ को समझा कि किस तरीके से परिवार को सिक्योर कर सकता है, इनकम को सिक्योर करता है, और वो चीज जब उनको समझ में आ गई तो एक उनको ये समझ में आ गया था कि माइंड ये आने वाले समय में किस तरीके से महान काम करेगा, क्योंकि वो सिनेरियो समझ पा रहे थे, वो समझ पा रहे थे कि बहुत बढ़िया, फ्यूचर के अंदर देखिए कोई भी क्राइसिस आ जाए, हम आज भी हिंदुस्तान का 80% आदमी किसी भी क्राइसिस के लिए तैयार नहीं है। रीजन, जी क्योंकि जी वो अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ नया करना नहीं चाहता या बदलना नहीं चाहता। तो मेरे फादर ने इस जी बिजनेस की ताकत को उस समय समझ लिया कि भविष्य में किसी भी तरह का क्राइसिस हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे वो महामारी का हो, चाहे वो किसी तरह की सुनामी का हो, किसी भी तरह का क्राइसिस हो, जी लेकिन अगर आज मैंने इस कंसेप्ट की पावर को, इस बिजनेस की ताकत को समझ के काम कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये मेरे परिवार को सिक्योर करेगा, और मेरे परिवार को ही नहीं, हिंदुस्तान के लोगों के परिवार को सिक्योर कर देगा। तो ये चीज उन्होंने उस समय बहुत महसूस करी, और महसूस करके उन्होंने काम चालू किया, तो रिजल्ट आज सबके सामने है। बहुत बढ़िया और सर, मैं बहुत ही उनसे बोला जोरदार। भी करता हूँ,
अक्सर बोला भी करता हूँ कि समय को समय से पहले पहचानना सीख लीजिए। ये बार बार मैं रिपीट क्यों करता हूँ ये बात, मैं इसलिए रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, ये इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने समय को समय से पहले पहचान लिया वो सब करोड़पति है। और आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप भी समय को समय से पहले पहचानिए, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, डजंट मैटर। प्यार करने वाले भी मिलेंगे तो नफरत करने वाले भी मिलेंगे। आज मोदी जी को लोग गाली बकते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, तो क्या राजनीति छोड़ दी उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना जी छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, वो बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल आदमी जब बनता है तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो उसको पार्ट है, ये पार्ट ऑफ लाइफ चलता है ये। बहुत बढ़िया सर, समय को समय से पहले पहचान ले, बहुत अच्छा माइंड सीट आपने दिया सर। समय को समय से पहले पहचानते हैं वही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अगला सवाल है हमारा सर जाहुल खान सीकरी भरतपुर से, बहुत जोरदार सवाल पूछा है सर। नॉलेज, जोश, जुनून और सपने, इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा कामयाबी के लिए महत्वपूर्ण है? महावीर जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सवाल है इसके अंदर क्या पॉइंट्स उन्होंने पूछे, एक बार रिपीट करेंगे वापस से। उन्होंने पूछा सर नॉलेज, जोश, जुनून और सपना, इनमें कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है? नॉलेज, जोश, जुनून और सपना, इन चारों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सपना। वो क्यों होता है? जी क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तब से सपने देखने चालू कर देता है। अगर पड़ोस के अंदर साइकिल आ गई तो उसका सपना होता है मेरे को भी साइकिल चाहिए, जी एम आई जी राइट? वो थोड़ा बड़ा होता है, जी दोस्त के पास मोटरसाइकिल है तो मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए। मतलब बच्चे की जन्म के बाद जब वो समझना चालू करता है तो उसके सपने तभी से पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सपने जिंदा रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज। और उन सपनों को जिंदा रखने के लिए जब आप सपना देखते हैं और किसी चीज को पाने के आप में अलग होती है, तो जोश और जुनून ऑटोमेटिक अंदर डेवलप होता है। और जब जोश और क्या जुनून बात है, डेवलप होता है तो वो ऑटोमेटिक आपको नॉलेज की ओर अग्रसर करता है, आपको नॉलेज की तरफ लेकर जाता है। तो जोश और जुनून को मरने मत दो, सपनों को खत्म होने मत दो, ऑटोमेटिकली नॉलेज भी डेवलप होगा और सफलता भी डेवलप होगी। बहुत बढ़िया। नेटवर्क मार्केटिंग का थंब रूल सर ने बताया है, बहुत ही शानदार जवाब दिया कि जिसका ड्रीम जिंदा है उसकी लाइफ जिंदा रहती है। ड्रीम जिंदा है तो जुनून भी पैदा करेगा, जोश भी पैदा करेगा, नॉलेज भी ले आएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि आप एक बड़ा ड्रीम देखिए और उसके पीछे हाथ धोके नहीं, ना धोके पड़ जाइए। बहुत अच्छा सर, अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सर। श्याम अग्रवाल जी ने पूछा है, रवि शर्मा जी से मेरा सवाल है कि आप इतनी गजब की ऊर्जा का स्रोत क्या है सर? आप इतने एक्साइटमेंट रहते हैं स्टेज पे, जब जाते हैं ऐसे लगता है ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो इतनी एक्साइटमेंट और जोश और ऊर्जा का स्रोत क्या है? रवि शर्मा जी से जानना चाह रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं ये जोश और जुनून जो अंदर से आता है वो बेसिकली लोगों का प्यार भी है। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आरसीएम परिवार का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया, और अगर उस प्यार के बदले ये जोश और जुनून अंदर से ना निकले तो फिर मुझे लगता है कि फिर आरसीएम करना मेरे लिए बेकार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब एक आदमी अपने सपने लेकर यहाँ पर आता है, अपनी सोच लेकर यहाँ पर आता है, तो जोश और जुनून डेवलप होता है जी और कहीं ना कहीं एक अंदर से भाव पैदा होता है कि किस तरीके से मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं लोगों के सपने पूरे करने के लिए अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो एक आदमी, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहीं पे बोला था, ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है कि एक आदमी जब अपने सपने लेके हमारे सामने बैठता है तो कहीं ना कहीं उसके ड्रीम्स को जगाने के लिए, उसके ड्रीम्स को जिंदा करने के लिए अगर मैंने आज अपना 100% दिया तो कहीं ना कहीं एक लीडर या एक नया बंदा जन्म लेगा और वो अपने सपनों को पूरा करेगा। तो मैं कहीं ना कहीं इसी चीज को सोचता हूँ और यही से मेरे अंदर जोश और जुनून रहता है, पॉजिटिव रहता हूँ मैं और कभी अपनी नेगेटिविटी को अपने आसपास नहीं आने देता। और मेरा हमेशा से एक प्रयास रहता है कि हमेशा, और आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि नेगेटिविटी को मत देखिए, नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को निकालने का प्रयास कीजिए और आप हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे। नेगेटिविटी की तरफ देखेंगे तो नेगेटिविटी की तरफ ही बढ़ जाएंगे, और पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे तो पॉजिटिविटी की ओर बढ़ जाएंगे, और जब पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी का प्रवाह आप में चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, राजहंस बनी बन जाए, इनडायरेक्ट में रवि शर्मा जी बोलते हैं राजहंस एक पक्षी होता है जिसे दूध और पानी मिला के दे दिया जाए तो वो अपनी चोंच डालता है, केवल दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऊर्जा का प्रवाह, बहुत ही जानदार सवाल का जवाब दिया कि अगर आप अपने गोल के प्रति समर्पित है, सकारात्मक है, तो ऊर्जा ऑटोमेटिक बनेगी। बहुत अच्छा सर, अगला सवाल है सर मनीष सावलिया जी है, वो सवाल कर रहे हैं सर आपके पापा के बाद जब पहली इनकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुई तब आपकी आपके क्या एहसास थे और आरसीएम बिजनेस में आपकी पहली इनकम क्या रही होगी? सर, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब मेरे पिताजी के जाने के बाद पहली इनकम मेरे परिवार में आई तो मेरे नजरों के सामने सन 2000-2001 की कहानी घूम गई। और कहीं ना कहीं शायद वह थोड़ा सा परिवार भावुक सा हो गया, क्योंकि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे और ये मीटिंगों में बोला करते थे और हमें घर में भी कहा करते थे कि ये बिजनेस मैं इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि कल को अगर मैं मुझे भी कुछ हो गया तो ये तुम्हारे को संभालेगा। तो उस समय हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ बातें हैं,
जैसे आज कोई आरसीएम जी का डायरेक्ट सेलर नए आदमी को आरसीएम बताने जाता है तो उसको ऐसा लगता है सिर्फ बातें ही हैं, जी सिर्फ जी एक सिर्फ थॉट ही समझता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब हम भी ऐसा सोचा करते थे कि सिर्फ पापा ऐसी बातें ही करते हैं, लेकिन जब मेरे पापा के जाने के बाद ये पहला पे आउट हमारे घर में आया, पहली इनकम हमारे घर में आई, तो वो पूरी पिक्चर मेरी नजरों के सामने घूम गई और शब्द नहीं थे, बहुत हम भावुक थे। और कहीं ना कहीं उनके उस विजन और उनकी उस सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। और वो पल एक ऐसा पल था जिस पल को मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। और ये तभी होता है जब इंसान के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, और ट्रेजेडी होने के बाद जब उसके घर में आरसीएम की तरफ से कोई ऐसी चीज आती है, तब उसको इस चीज का महसूस होता है कि मैं जिस चीज के लिए भाग रहा था या मैं जिस चीज के पीछे इतना दीवाना था, उसका असल मकसद अब जाके पूरा हुआ है। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से बताया सर कि जिस ड्रीम के पीछे आप दौड़ रहे थे, आपको लग रहा था कहीं बाहर से मिलेगा, आरसीएम की इनकम जो पहली बार ट्रांसफर खाते में हुई, तब आपके दिमाग में ये विजन बना कि वास्तव में ये वो सारी ड्रीम पूरे कर सकता है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल है सर, उत्तम कुमार सिंह जी, ये उड़ीसा से है, ये सवाल कर रहे हैं, रवि सर से सवाल है। 24 घंटे में आप जितना काम करते हैं, उस समय में आप बड़ी सोच आपके दिमाग में कब कब आता है, और आप मंदिर जाना पसंद करते हैं या भगवान के द्वारा दिया गया आरसीएम काम करना पसंद करते हैं, दोनों में से आपको ज्यादा अच्छा क्या लगता है? देखिए सर, यहाँ पर पहली चीज तो कि जैसे हम 12 से 15 घंटे एवरेज सभी आदमी काम करते हैं, बाकी समय तो इंसान सोता है, लेकिन जब हम काम जी करते हैं तो मैंने अपनी लाइफ को फ्रेम किया हुआ है। और मैं यहाँ पर हर एक डायरेक्ट सेलर, हर एक व्यूअर से यही कहना चाहूंगा कि प्लीज अपनी लाइफ को फ्रेम कीजिए। जी आपको अपनी जिंदगी को फ्रेम करना पड़ेगा और फ्रेम करना आना भी चाहिए। मेरा शेड्यूल क्या रहता है, मैं थोड़ा सा उसको अपने शब्दों में बयां करने का प्रयास करता हूँ कि मैं पॉजिटिव थॉट्स की जहां तक बात आती है या व्यूज की आती है, तो ये बेसिकली कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव जी थॉट्स जी को अपने लाइफ में लाने के लिए खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रेम कीजिए। जैसे मैंने अपनी लाइफ को फ्रेम किया हुआ कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो आधे से 1 घंटा बुक्स को देता हूँ, बुक्स पढ़िए, आप उस बुक्स में से नॉलेज लीजिए। बुक्स के बाद फिर आपके पास बहुत से काम होते हैं, आप टीम से बात कीजिए, टीम को आप नई नई चीजें बताइए, बुक्स की उस जानकारी शेयर कीजिए। उसके बाद आप जूम मीटिंग्स कीजिए, जैसा भी माहौल है उस माहौल के अकॉर्डिंग मीटिंग्स करना, टीम के साथ टच में रहना, मोटी मोटी बात, टीम के साथ टच में रहना। टीम के साथ टच में जी रहने के बाद अपना कुछ समय फैमिली को दीजिए, फैमिली में समय देने के बाद अपनी फैमिली के साथ कुछ समय आरसीएम की बातें जरूर कीजिए। यहाँ पर मैं एक चीज आपको सबको बताना चाहूंगा, आपको इस जी बिजनेस में अगर बहुत बड़ी सफलता लेनी है तो आपको अपने परिवार को भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जब आपका परिवार इन्वॉल्व होगा तो हर थोड़ी थोड़ी देर में आरसीएम की बातें ऑटोमेटिक होगी, और जब ऑटोमेटिक होगी तो नई नई चीजें और नए नए व्यूज ऑटोमेटिक निकल कर आएंगे। तो ये कारण बनता है, और बहुत उसी कारण से सफलता के रास्ते भी खुलते हैं। मेरे परिवार की भी यही कहानी है। हम जब हमारे परिवार बैठता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर यहाँ पे कि मेरी मदर या मेरी फैमिली हर आधे घंटे में आरसीएम की टॉपिक को छेड़ देते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर जी हो, चाहे वो कंपनी प्लानिंग को लेकर हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलर्स को लेकर हो, किसी भी तरीके से हो, तो हम उस पॉइंट को छेड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम बातें करते हैं तो बहुत सी चीजें निकल कर आती है। कभी मेरी मम्मी के मुंह से निकल जाती है ऐसी बात जो हमें एनर्जी दे देती है, कभी मेरी वाइफ के मुंह से निकल जाती है, कभी मेरे मुंह से निकल जाती है। तो ऐसे व्यूज आते रहते हैं। जब व्यूज आते रहते हैं तो आप ऑटोमेटिक क्रिएटिव रहते हैं, और क्रिएटिव रहते हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रेम कीजिए। मैंने अपनी लाइफ को फ्रेम किया हुआ है, अगर आपने भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को आरसीएम को लेते हुए फ्रेम कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप नेगेटिव कभी नहीं होंगे, आप ऊर्जावान रहेंगे। क्या रवि शर्मा जी मंदिर जाते हैं? सर आरसीएम भगवान देखिए हर जगह है, मैं ये मंदिर जाना होता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि भगवान सब जगह है, और भगवान हमें एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, और आरसीएम के रूप में एक अपॉर्चुनिटी है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने आरसीएम में आके लोगों को सफल बना दिया, या उनके घरों में इनकम पहुंचा दी, या किसी भी परिवार को आपने एक मुकाम दे दिया, तो ये किसी भगवान की पूजा से कम नहीं है। क्या बात है सर, दिल को छू लिया सर आपके जवाब ने, मजा आ गया सर। हमारे व्यूवर्स बहुत लकी हैं जिन्हें आप जैसा अपलाइन मिला है सर। एक नेक्स्ट सवाल है सर, मिस्टर राजकुमार जी का बड़ा फनी सा सवाल है, रवि सर से क्वेश्चन है सर, आप इतने पैसों का करते क्या है सर, प्लीज बताएं। जी एक्चुअली वो सपने जो मर चुके थे किसी जमाने में हमारे परिवार के, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगा कि इस इनकम ने वो आज सारे सपने पूरे कर दिए। आज जी आरसीएम से मेरे पास वो सब कुछ है जो एक आदमी अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता, वो इतना कुछ इस बिजनेस ने मेरे को दे दिया। आज पैसा तो इस जी बिजनेस ने जी मुझे दिया ही दिया, लेकिन सर आज एक पहचान दे दी, एक नाम दे दिया, एक इज्जत दे दी, और सबसे बड़ी बात कि इतने कम उम्र के लड़का आज एक इंटरव्यू यहाँ पर आपके सामने बैठ के कर रहा है, ये सब कुछ आज आरसीएम ने दिया।
तो सब कुछ पूरा हो गया है, सपना पैसा सब कुछ आरसीएम ने दिया है, और जो सपने को मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था वो भी आरसीएम ने पूरे कर दिए। तो अब तो ये शानदार। लगता है कि, और मेरी बहुत बड़ी शुरू से नेचर भी रही है कि मैं अपनी इनकम का कुछ परसेंट थोड़ा सा समाज सेवा में भी करता हूँ। जैसे कि मेरा एक नियम है, मैं हर साल लड़कियों की शादियां करवाता हूँ, मेरा शुरू से रहा है जब से मैं आरसीएम में आया हूँ। तो मैं अपनी इनकम का 10% शानदार, जो अमाउंट है वो लड़कियों की शादियों के अंदर, या ऐसी बच्चियां जो पढ़ नहीं सकती, जिनकी नहीं होती वैल्यू, या जिनका परिवार इतना स्ट्रांग नहीं होता, मैं उनकी मदद करता हूँ। अभी आपने देखा होगा महावीर सर, जिस तरीके से अभी ये जो वायरस आया उसके अंदर भी मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया कि मैं जितना कर पाया ये मैंने सरकार की तरफ से भी जी किया, और पर्सनल अपने लेवल पर भी बहुत कुछ किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ऊपर वाले ने हमें इतनी अच्छी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी दी है, इतना प्यारा बिजनेस दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भावना भी हमें रखनी चाहिए, और ये आरसीएम सिखाता है। ये सब आरसीएम की नॉलेज है, आरसीएम का ज्ञान है। तो ये सब कुछ मैं इसी तरीके से अपने पैसे को मैनेज करता हूँ, अपने ख्वाबों को पूरा करता हूँ, लोगों का, जो लोग बेचारे कैपेबल नहीं है उनकी मदद करने का भी प्रयास करता हूँ, वो मैंने बताया किस तरीके से। तो ये मेरा एक छोटा सा बहुत बढ़िया, तरीका है। शानदार सर। ये आरसीएम बिजनेस की एजुकेशन ही है सर, जो आदमी को धीरे धीरे जीवन के प्रति पॉजिटिव और नैतिकता के मार्ग पे लाती है। बहुत ही शानदार लगा सर ये बात जान के। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है सर आरसीएम ज्ञान ऑफिशियल की तरफ से। सर, आपको ये बिजनेस और इनकम विरासत में मिला साथ में, और कौन सी ऐसी चीजें मिली जो इनकम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको लगता है, तो जरूर बताएं सर। सर विरासत में देखिए, मैं आपको सबको आज एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा मैंने अभी बोला कि दुनिया का हर एक समझदार पिता, अगर वो समझदार है, तो वो अपने बच्चे को विरासत में कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो उसका जो भी अनुभव हो। तो मेरे पिता ने भी मेरे को बहुत कुछ दिया, लेकिन फर्क इतना है कि आज जिस आरसीएम के माध्यम से दिया, ये माध्यम ऐसा है कि ये माध्यम आपको उस विरासत को कई गुना आगे बढ़ना और बढ़ाने का मौका भी देता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि विरासत के रूप में जो चीज आज मेरे को मेरे पिता से मिली, मैं उसको सबसे अच्छी चीज और मिली कि मैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आपको अगर आरसीएम में अपने पिता के रूप में विरासत में कुछ मिले, तो आप भी वही काम करें जो आपके पिता ने किया। आप भी लोगों की मदद करें और उनकी जिंदगी में खुशियां लाने का काम जारी रखें, जिस तरीके से मेरे पिता ने अपनी मेहनत करके एक एम्पायर खड़ा किया था। तो वही चीज उनसे मुझे मिली और वही चीज मैं आगे लेके जा रहा हूँ। तो ये चीज मुझे सबसे बेहतर लगी इसके अंदर। जी, बहुत अच्छा सर। इनकम के साथ में आपने बताया विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, रवि शर्मा जी इस बिजनेस को आज ऑल ओवर इंडिया में करते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारा इनका फ्रेंड सर्किल है, बहुत सारे घूमने फिरने के मौके मिले, पैसे के साथ साथ इनको ये भाव मिला लोगों की मदद करने का, पैसे के साथ लोगों को ऊपर उठाने की ये जो इनको जो संस्कृति मिली है, ये बहुत बड़ा है सर, पैसे से बहुत बड़ा है। पैसा हर बाप अपने बच्चे को देता है, लेकिन जो आरसीएम देता है, जो मूलभूत जीवन जीने के गुण दे रहा है ना सर, वो रियली काबिले तारीफ है सर। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो व्यूवर्स है उनको उनके सवाल का जवाब मिला होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और आ रहा है और सर। मैं यहाँ पर महावीर जी सभी और से एक चीज और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए सभी लोग कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। देखिए लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। मैं जब आरसीएम में आया था तो मैंने सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट किया, मेरे को ये नहीं जी पता कि लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे। मेरे को बोलना, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो उस समय मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था, क्योंकि बहुत बिजनेस बढ़िया सर। फादर ने कौन सा बिजनेस तो फादर का डेवलप किया हुआ था, हमारा योगदान था। ऐसी बात नहीं कि हमारा योगदान नहीं था उसके अंदर, योगदान हमारा भी बहुत कुछ था, लेकिन मंच पे खड़े होके बोलना, उस लेवल को अचीव करना के बाद उस लेवल पर जाना जहां पर आपके पिता नहीं है, लोगों को फेस करना, लोगों के सामने खड़ा होना। अब नीचे से लोग तो चिल्ला रहे हैं रवि शर्मा जी आप स्टार डायमंड कुछ बोलिए ना, अब रवि शर्मा जी बोलेंगे क्या, वो तो आए पहली बार है मंच के ऊपर। तो अब बहुत यहाँ बढ़िया, पर एक ही दिमाग के अंदर चीज सेट हो गई थी कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरा काम पे कॉन्सेंट्रेट करना, और मैंने वही किया। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपका लेवल क्या है, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपका अचीवमेंट क्या है, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप किस खानदान से है, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने कब ज्वाइन किया है, फर्क ये पड़ता है कि आपने अपने काम को किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया और किस तरीके से आप अपने काम के ऊपर डेडिकेट हो गए, उसको आगे की ओर लेकर गए। तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रिजल्ट क्या आने वाला है सेकेंडरी मैटर है। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल ऑटोमेटिक आरसीएम देगा आप लोगों को। बस कर्म पर अपना फोकस रखिए, और कर्म हमारा वो आप सब जानते हो क्या है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार जवाब। एक सवाल और आ रहा है सर, डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा नवादा बिहार से हैं, वो कह रहे हैं रवि शर्मा जी से मेरा सवाल है, बिजनेस को लोग अभी भी समझना नहीं चाहते, लोगों का माइंडसेट अभी भी नौकरी का है, ऐसे लोगों को कैसे समझाएं, क्या बताएं? सर नौकरी
नौकरी से देखिए सर, इसके लिए मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि बिजनेस का जो आपका माइंडसेट नौकरी को लेकर है, नौकरी से हमारे ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, आप अपने दिल में अच्छे से बिठा लीजिए। नौकरी जी से जी कोई भी इंसान आज तक अपने ख्वाबों को पूरा कर ही नहीं पाया, और आप ये सब अच्छे से जानते हैं कि मुझे एक आदमी बताइए हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में जिसने नौकरी करके अपने लिमिटेशन ऑफ इनकम और अपने लिमिटेशन ऑफ मैन पावर या अपनी लिमिटेशन ऑफ टाइम किसी को भी ले लो ब्रेक किया। नहीं कर सकता, आप नौकरी के अंदर कर ही नहीं सकते। और नौकरी माइंड सेट करके हमें क्या मिल सकता है, मैं आपको बोलता हूं, आप 16 साल पढ़ाई करते हैं और 16 साल पढ़ाई करके 16,000 रुपए कमा रहे हैं, 16 साल अपनी जिंदगी का देने के बाद या 16 से 20 हजार का की नौकरी के लिए हम इतनी अफर्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लोगों के सामने अपनी डिग्रियां रख रहे हैं, उनके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जितनी अफर्ट और जितनी मेहनत आप 20 से 50 हजार की नौकरी के लिए कर रहे हैं, 5 साल पार्ट टाइम, उसकी 10% मेहनत आप आरसीएम में कर लो। अगर आप उस नौकरी को पीछे नहीं छोड़ दो, तो आप जो कहें मैं कह दो, करने को तैयार, लेकिन बहुत बढ़िया ईमानदारी सर, से, अफर्ट्स के साथ चालू करोगे तब अंत का पता लगेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चालू करने से पहले हार जाते हैं, चालू जी करने से पहले डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, होगा या नहीं होगा, आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, जिंदगी में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो नौकरी, एजुकेशन लेने के बाद नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। वहां पर भी तो भागोगे, वहां पर भी तो संघर्ष करोगे, वहां पर भी तो स्ट्रगल करोगे, वहां पर तो हार नहीं मानते। लेकिन आरसीएम की बात आती है तो कई लोग जल्दी से हार मान जाते हैं, आज तक समझ में नहीं आया क्यों करते हैं ऐसा। जी जी बहुत बढ़िया सर, तो आप जितना समय अपनी नौकरी को दे रहे हैं, चाहे 5 साल 6 साल आप मेहनत करते हैं, 10 साल मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं एक नौकरी पाने के लिए, उसका 10% आप आरसीएम को दे दीजिए, रिजल्ट आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा और आ रहा है कई लोगों के पास। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर नौकरी से ज्यादा बेहतर आरसीएम है, लेकिन वो तब बेहतर है जब आप इसको समझेंगे और दिल से ईमानदारी से करेंगे, तब आपको इसकी ताकत समझ में आएगी। बहुत बढ़िया सर। नौकरी में टाइम मनी और फ्रीडम ही होता है, इसमें टाइम मनी फ्रीडम है, सुरक्षा है। बहुत अच्छा जवाब दिया सर। एक सवाल और आ रहा है सर, महावीर ओरेन का है। सर हम काफी समय से जी रहे हैं, हमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली, हमें क्या करना चाहिए सफलता के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी शख्स, क्या नाम बताया सर का आपने, महावीर महावीर जी, ओरान। अच्छा महावीर जी, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर सफलता नहीं मिल रही, इसके इसका पीछे रीजन क्या है, वो हमें खुद को ढूंढने पड़ेंगे। क्या हम उन बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं जो आरसीएम ने हमें सिखाए? ये बेसिक्स क्या है, ये बेसिक्स क्या है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये बेसिक्स 18 से 20 साल के सीनियर लीडरों की मेहनत का निचोड़ है, जी ये वो निचोड़ है जिन्होंने, जो निचोड़ 18 से 20 साल सीनियर लोगों ने काम करके आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो हमें इस बेसिक्स को हमने कितना सीखा, और अगर हम सीख गए तो हमने कितना सिखाया, दो चीजें यहां पर जी काम करती है। हम कितना सीखे, क्या हमने 18 से 20 साल जिन लोगों ने ये बेसिक्स तैयार किए हैं अपने अनुभव से, क्या उनको फॉलो किया? अगर नहीं किया तो हम आगे कैसे सिखाएंगे? और अगर हमने फॉलो किया तो क्या हमने आगे सिखाया? और अगर नहीं सिखाया तो क्या सफलता मिलेगी? और अगर हमने सिखाने का प्रयास किया और वो नहीं सीख पा रहे तो कारण क्या है? इन चीजों के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, आपके सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तरीका आप ही के पास है। अगर आप जी असफल हो रहे और कोई और सफल हो रहा है, इट मीन्स प्रॉब्लम कहां पर है? सिस्टम में तो नहीं है। सिस्टम में होती तो कोई और भी सफल नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम हमारे काम करने के तरीके में है। इसलिए तरीके को बदल के कोशिश कीजिए, और तरीका बदलोगे तो सफलता भी मिलेगी। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होता है। इसी तरीके से आरसीएम में जो बच्चा आपकी टीम में पैदा हुआ, मतलब जो नया ज्वाइन हुआ, आप उसको बेसिक्स के ऊपर कोर्स और कार्डिनल, इन तीन चीजों को सबसे पहले सिखाइए, उसके दिमाग में बिठाइए और इसको फॉलो करवाइए, सफलता ऑटोमेटिक आएगी। और अगर आप ये नहीं करेंगे और आप अपना ही दिमाग लगे कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, तो सफलता नहीं मिलने वाली भैया, फिर आप आरसीएम को दोष मत दीजिएगा कि आरसीएम हम सफल बहुत नहीं हो बढ़िया पाए। सर, बहुत ही शानदार जवाब दिया सर। अगर आरसीएम में सफलता नहीं मिल रही है, अगर आप मनवांछित रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो रवि जी का टू द पॉइंट जवाब है बैक टू बेसिक। बेसिक पे जाइए, खुद करिए, टीम से करवाइए, 7 कार्डिनल 8 कोर स्टेप का पालन करिए। ये महत्वपूर्ण चीज है सर, बहुत ही खास जानकारी आपको दी है सर रवि शर्मा जी ने, कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बेसिक करिए, कार्डिनल रूल का पालन करिए और कोर स्टेप का पालन करिए। बहुत शानदार रवि सर, मजा आ रहा है। आप जो बता रहे हो ना सर, तीर में से आपके धनुष के तर्कस में से वो तीर निकाल रहे हो जो डायरेक्ट आपको डायमंड तक लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। एक सवाल और आ रहा है सर, बीरेंद्र तिवारी जी का, रीवा एमपी से आ रहा है। आपकी दिनचर्या क्या और कैसी रहती है पूरे 24 घंटे, रवि सर हमें बताएं।
सर क्या अभी करते दो हैं मिनट आजकल पहले सर? मैंने सर इसका आंसर अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको दिया था, दिनचर्या का पूरा कि लाइफ को जी फ्रेम जी कीजिए। आई थिंक ये सवाल मुझे लग रहा है शायद रिपीट हो रहा है, आई थिंक। जी 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 दिनचर्या के बारे में बताया था रवि सर ने। सुबह किताब पढ़ते हैं, उसके बाद ये ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर परिवार के साथ अपना टाइम बिताते हैं, फिर ये जूम मीटिंगों से आजकल जो भी चल रहा है उससे अपनी टीम से कांटेक्ट करते हैं, शाम को ये मॉर्निंग ये इवनिंग वॉक पे जाते हैं, हेल्थ पे ध्यान देते हैं। इन्होंने अपनी दिनचर्या को ऐसे फ्रेम कर रखा है जो भी कामयाब होना चाहता है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से और अपनी गोल के हिसाब से अपनी दिनचर्या को फ्रेम करें। राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर। सर कितने टाइम से आरसीएम में है, फर्स्ट इनकम लास्ट इनकम, और एक स्टूडेंट को कितने टाइम में सक्सेस मिल सकता है, वो न्यू ज्वाइनिंग है, न्यू ज्वाइन किया हुआ है, अगर वो स्टूडेंट काम अच्छे से करता है तो कब तक कामयाबी मिल सकती है? आपकी फर्स्ट इनकम जानना चाह रहे हैं सर और लास्ट बड़ी इनकम जानना चाह रहे हैं, और स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा अगर वो डेडिकेशन से काम महावीर करें। जी, फर्स्ट इनकम अगर आरसीएम की बात करते हैं मेरे परिवार की, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पहला चेक जो हमारे घर में आया था वो आया था 6,614 रुपए का। और मुझे आज भी याद है कि जब पहला चेक मेरे घर में 6,614 रुपए का आया था, तो मेरे पिताजी ने मारुति 800 खरीद क्या ली। बात और उस है, मारुति 800 का नंबर मुझे आज भी याद है, उस मारुति 800 का नंबर था RJ14 5C1805, ये उस गाड़ी का नंबर था। और जब ये गाड़ी खरीद ली, देखिए मैं बेसिकली थोड़ा सा कनेक्ट इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जुनून और जज्बा जहाँ पर आ जाता है तो सफलता भी नतमस्तक हो जाती है आपके सामने। तो जब मारुति खरीद ली, तो मेरी माताजी ने बोला कि ये क्या कर दिया आपने, घर का खर्चा तो वैसे चल नहीं रहा, गाड़ी और लेके आ गए। तो मेरे पिताजी ने एक लाइन बोली थी मेरे माताजी को, और हम वहीं खड़े थे बच्चे, क्योंकि नई नई गाड़ी आती है तो बड़ा अंदर से एक चाव होता है, क्योंकि बच्चों का बड़ा शौक होता है नई नई कारों का, कि हमारे घर में नई गाड़ी है या कोई भी नई चीज है। तो वो कार खरीद ली, तो मेरे पिताजी ने, मेरे को आज भी याद है कि मेरे घर की पोर्च में वो कार खड़ी थी, और मेरी माताजी थोड़ी टेंशन में थी कि ये आपने ले तो ली है, इसकी किस्तें कहाँ से भरेंगे। तो मेरे पिताजी ने एक लाइन बोली थी कि उन्होंने कहा था कि गाड़ी मैंने आरसीएम से ली है, और इस गाड़ी की एक एक किस्त आरसीएम बिजनेस से ही भरूंगा। क्या याद बात है रखिए सर, फ्रेंड्स, 1914 के चेक पर कार लेके आ गए थे, मैंने नंबर तक बता दिया आप लोगों को। वो जुनून, वो जज्बा था। और रही बात सबसे बड़ी इनकम की, तो मेरे को सबसे बड़ी इनकम अभी आई नहीं है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी अपनी इनकम से सेटिस्फाई हो जाता है ना, उसकी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? सेटिस्फाई मत होइए, बड़ी इनकम अभी आई कहाँ है सर, अभी तो बड़ी इनकम आनी बाकी है। फिर भी अगर लोग जानना चाहते हैं, लाखों रुपए की इनकम है सर, जितना आप लोग सोचते नहीं उससे कई गुना ज्यादा मेरी इनकम है, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। और मेरा ऐसा मानना भी कि आप भी सेटिस्फाई मत होइए। मैं मंच पर देखता हूँ महावीर जी, कई लोग बताते हैं हाईएस्ट चेक 2 लाख 1 लाख, अरे मत बताओ यार, हाईएस्ट चेक तो अभी आना बाकी है मेरे भाई, अभी आया कहाँ है। तो हाईएस्ट चेक मेरा भी बहुत अभी आना बाकी है फ्रेंड्स। वैसे लाखों रुपए की इनकम है, बहुत अच्छी खासी इनकम है, और इतनी बड़ी इनकम है कि जितना शायद मैंने भी कल्पना नहीं करी थी, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा पैसा आता है। और जब आता है ना, तो जब अपना स्टेटमेंट देखते हैं तो ऑटोमेटिक स्मेल आ जाती है चेहरे के ऊपर कि यार इतना भी आता है क्या, आके बाहर आ जाती है। तो अल्टीमेटली नो, मतलब नो वर्ड्स, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ, पहली इनकम को ध्यान रखिए और आखिरी इनकम में कभी सेटिस्फाई मत होइए, चलने दीजिए जब तक आप, क्योंकि देखिए सेटिस्फेक्शन हमारी जिंदगी में जहां पर आ गया हम खत्म हो गए। इसलिए मैं तो अभी भी अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं हूँ, इससे भी बड़ा करना है, इससे भी आगे जाना है। सो भाभी सर बहुत बढ़िया सर, व्यूवर्स में आग लगा दिया सर। जिनकी लाखों रुपए 30 40 50 लाख महीने की इनकम है वो भी अभी कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, इसका मतलब आरसीएम का फ्यूचर बहुत बड़ा है। और लास्ट सवाल लेना चाहूंगा सर, सवालों की जड़ी तो बहुत लगी हुई है लेकिन लास्ट भी लेना चाहेंगे सर। तेजपाल रेगल जी राजल रेसर से पूछ रहे हैं सर। सर जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी कामयाबी के लिए, हमें एजुकेशन देने के लिए। रवि शर्मा जी का वेलकम करता हूँ, और आरसीएम बिजनेस में आने वाला समय कैसा होगा जानना चाहता हूँ सर, फ्यूचर जानना चाहते हैं आरसीएम देखिए का। और इसी के साथ ही एक सवाल और ले लेता हूँ सर। कुछ लोग बोलते हैं सर दूसरी कंपनी और आरसीएम में क्या अंतर है, क्यों करें आरसीएम सर, ये दो सवाल लास्ट के हैं। देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आरसीएम के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आरसीएम अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्पायर है, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसका सबसे बड़ा कारण है जो मैंने महसूस किया है, मैं अपनी पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, कंपनी के जो ऑनर है ऑनरेबल मिस्टर श्री त्रिलोकचंद चावड़ा जी, मैंने अपनी जी जिंदगी के अंदर इतना डाउन टू अर्थ इंसान आज तक नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल भी फ्रेंक बहुत बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो काम करते हैं और जिस तरीके से वो, उनका कमिटमेंट है उनको, मैंने कभी उनको ये, मैंने खुद ने कभी महसूस नहीं किया कि कभी उन्होंने ये महसूस किसी को करवाया हो कि वो एक कंपनी के मालिक है। मैंने उनको बिल्कुल टेबुल पे कपड़ा मारते हुए तक देखा है, मैंने उनको किटे पैक करते हुए तक देखा है। जिस कंपनी का ओनर इतने रूट लेवल पर जाकर काम करता हो,
उस कंपनी का भविष्य क्या हो सकता है, आप कुछ समझ सकते हैं? जो बहुत आज बढ़िया। हिंदुस्तान की बहुत बड़ा सिनेरियो, बहुत बड़ा एम्पायर है। दूसरी बात रही बात कि आरसीएम का भविष्य क्या होने वाला है, तो सन 2000 में जो कंपनी कपड़े से चालू होती है और आज उस कंपनी के पास 400-500 प्रोडक्ट है, 2000 से ज्यादा एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं, जिसके पास आज बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, और सबसे बड़ी बात जिसकी मैक्सिमम 70 से 80% प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी खुद कर रही है, आप उसका भविष्य अगर और जानना चाहते हैं तो आज जो भविष्य अभी प्रेजेंट जो दिख रहा है उससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, और ये फ्यूचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो एक्साइटमेंट मैं कंपनी के ओनर मिस्टर छाबड़ा जी में, टीसी छाबड़ा जी में देखता हूँ, सौरभ जी में देखता हूँ, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उस बिजनेस के अंदर जो सपने देख रहे हैं, और जिस आप बिलीव नहीं करेंगे, आप और मैं रॉयल्टी और टेक्निकल का सपना देखते हैं, लेकिन वो इससे भी बड़ा सपना देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उनकी ये प्लानिंग है कि जो आंकड़े, जो सिनेरियो डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है कि 2025 तक इंडस्ट्री लगभग 65 से 70 हजार करोड़ की होने वाली है, तो मेरे को लगता है कि जी ये वो समय और सही प्लेटफॉर्म है कि इस कंपनी को चेक करना बंद कर दो भाई। मैं हमेशा बोला करता हूँ, 20 साल पहले भी लोग बोलते थे नहीं चलेगी, आज 20 साल हो गए अभी भी लोग बोलते हैं नहीं चलेगी, तो फिर चलती कैसे? जब एक बहुत कंपनी बढ़िया। प्रोडक्ट से चालू होके, एक प्रोडक्ट से चालू होके आज की तारीख में 400 प्रोडक्ट कर रही है, तो वो आने वाले 20 साल में क्या 4,000 नहीं करेगी? और हम क्या करेंगे? जी हम वॉच करेंगे, जो वॉच कर रहे हैं कि ये कब तक चलेगी, वो वॉच ही कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, तो गलती कौन कर रहा है? जी इसलिए कंपनी में वॉच करना बंद कर दो। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और होता चला जा रहा है, जिसके पर्सनल डिपोज है, पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसकी बहुत बड़ी पूरी यूनिट्स है, इतना बड़ा ऑफिस है जितना बड़ा आप और मैं सपने में नहीं सोच सकते। महावीर जी पिक्चर में डायलॉग सुना था मैंने कि हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी होगी कि एक एक रूम से, सॉरी मैं यहाँ पे चाहूंगा दूसरी बात कहना, मैं गलत बोल गया, कि हमारा घर इतना बड़ा होगा कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए मोटरसाइकिल काम में लेनी पड़ेगी। और आज ये फैक्ट्री वैसी हो जी गई है कि एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक जाने के लिए हमें कार काम में लेनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भैया हो रहा है सर, बहुत बड़ा यूनिट है, फ्यूचर बहुत खूबसूरत है इसका, कंपनी की प्लानिंग बहुत खूबसूरत है, कंपनी के ऑनर्स की सोच बहुत अच्छी है। दूसरी बात, कंपेरिजन टू अदर कंपनीज, यहाँ पर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, आरसीएम इंडिया की वो कंपनी है जो प्रोडक्ट जिस रेट पर दे रही है उस रेट पर मुझे लाकर बता दीजिए कौन दे सकता है, पहली चीज। दूसरी बात, बिल्कुल आरसीएम का प्रोडक्ट आदमी की पॉकेट और आदमी की थॉट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। आप दूसरी कंपनी जी में देखिए, एग्जाम्पल देखिए बता रहा हूं कि 10 रुपए की साबुन आप 90 रुपए में बेच रहे हो और उसके बाद 2% कमीशन बांट रहे हो, तो बड़ा क्या कर रहे हो? आप 10 रुपए की साबुन को जी 9 रुपए में बेच के बताओ और फिर कमीशन बांट के बताओ, तो हम मान जाएंगे आप कितने बड़े हो। और उसके बाद भी खुद शानदार। का प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है और दिखा रही है। यहाँ पर मैं फिर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कंपनी दिखा रही है कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरीके से हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। तो यहाँ सब खुला है, यहाँ बिल्कुल हर जी चीज ट्रांसपेरेंट है, कोई मिलावट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप कंपनी का प्रोडक्ट बनते हुए देख सकते हो, कंपनी के मालिक से मिल सकते हो, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर समझ सकते हो, लीडर से मिल सकते हो, लीडर से बात कर सकते हो, सस्ते प्रोडक्ट है, कंपनी की प्लानिंग शानदार है, और क्या चाहिए हम लोगों को? और फिर भी अगर हम डाउट कर बहुत रहे हैं तो फिर हम किसकी किस्मत पर डाउट कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, बहुत सारे ब्रांड पार्टनर्स हमारे साथ में है, हरित संजीवनी है, न्यूट्रीचार्ज है, गुड डॉट है, और नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ती जा रही है, प्रेस्टीज का सामान हमारे यहाँ मिलता है, सेल्लो का सामान मिल रहा है, प्रिंस प्लास्टिक का मिल रहा है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, लिंक का पेन मिल रहा है, हिंदुस्तान की सर बड़ी बड़ी ये कंपनियां धीरे धीरे आरसीएम से आएंगी हाथ मिलाती जा रही है। आएंगी सर, और आगे आएंगी, और इनका आंसर नहीं है। बहुत ही प्रॉब्लम शानदार, यहाँ पर बहुत हमें वहां पर वर्किंग करनी है, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा दोस्तों। कंपनी तो कर रही है, कंपनी तो बहुत बड़ा कर रही है। मैंने आज तक, भाभी सर मैं यहाँ पे सब लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने आज तक कभी आरसीएम से ये नहीं पूछा नया क्या आने वाला है। भैया जी, तेल ही बहुत खत्म नहीं हो बढ़िया, रहा, तेल ही खा खा के परेशान हो गए, वही खत्म नहीं कर पा रहे हम लोग, तो प्रोडक्ट्स तो आते रहेंगे, हमारी प्लानिंग क्या है हमें वो समझना है। तो आप अपनी प्लानिंग पर बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कंपनी तो बहुत बड़ा कर रही है और करती रहेगी। अच्छा। एक सवाल और सर, लास्ट सवाल मेरी तरफ से सर, सर रवि शर्मा जी का आरसीएम में सबसे बेस्ट दिन कौन सा था और सबसे बेकार दिन कौन सा था, जो रवि शर्मा जी को लगता है? सर देखिए, सबसे मैं बात करूंगा, सबसे पहले तो सबसे बेकार दिन की वो दिन था कि जब मैं बिजनेस में आया और मुझे कुछ आता नहीं था, तो कहीं ना कहीं अंदर से एक थोड़ी सी गिल्टी सी फील हो रही थी कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आया हूँ। आने का मतलब मेरा यहाँ पर यह कि मैं बिजनेस के बारे में जानता था, समझता था, लेकिन एक अंदर से हेजिटेशन था, क्योंकि मंच के ऊपर खड़ा होना और एकदम से खड़े होकर बोलना, वो मेरे को, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे फेस करूंगा, और मैं अंदर से डरावा जी भी था, क्योंकि मेरे को, मुझे आज भी याद है, महावीर सर मैं यहाँ सब लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम डर जाते हैं, हमसे नहीं होता, तो फ्रेंड्स को चैलेंज तो मेरे साथ ही था।
आपको ऐसा लगता है कि मुझे आसानी से सफलता मिल गई, इनकम मिल रही थी, सफलता नहीं मिली थी मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल इनकम सही। मिल रही थी आरसीएम से, पर सफलता रवि शर्मा को नहीं मिली थी, वो नहीं सफलता पिताजी की थी। तो रवि शर्मा को अपने आप को प्रूफ करना था, तो मैंने, मेरे पास दो रास्ते थे, या तो घर बैठ के सिर्फ इनकम ले लूँ, या फिर आरसीएम के मंच पे खड़ा होकर कुछ चालू करूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा, तो मैंने चालू किया। तो उस दिन मैं बड़ा घबराया और अपने आप में महसूस कर रहा था कि मैं कैसे क्या करूंगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं बहुत घबरा गया था। आज मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इतनी बात भी कर पा उस समय कर पाता था क्या, नहीं कर पाता था, जी लेकिन जी अंदर से जज्बा था, जुनून था। और सबसे अच्छी बात यह रही कि उस कमजोरी को, उस वीकनेस को, उस डर को मैंने अपनी ताकत बनाया। रिपीट अगेन, क्या बात उस कमजोरी को, उस वीकनेस को और उस डर को मैंने अपनी ताकत बनाया। हारा नहीं, घर बैठा नहीं, पैसा लिया नहीं, पैसे की भूख नहीं थी, काम की भूख बढ़ी, काम की भूख बढ़ी, काम करना चालू किया, मीटिंग स्टार्ट करी, लोगों ने पसंद किया नापसंद किया, लोग हंसे मुस्कुराए, किसी ने उल्टा बोला, किसी ने अच्छा बोला, हर तरीके के चैलेंजेस को फेस करते चलते चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, और आज आपके सामने हूँ। आज लोग पहचानते हैं, एक पहचान बन गई, एक नाम बन गया। तो सबसे खूबसूरत दिन तो वो था जब, या वो होता है, मैं ये, अब मैं इस बाबिर जी यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि सबसे खूबसूरत दिन कौन सा था, अब तो ऐसा लगता है कि सारे दिन ही खूबसूरत है तो ये जी आरसीएम में अब ऐसा लगने लग गया कि हर एक दिन खूबसूरत होता है। आज लोगों ने इतना सम्मान दिया, हजारों लाखों लोग आपका इंतजार करते हैं मंच के ऊपर, आपको मालाएं पहनाई जाती है, आपके लिए लोग पीछे भागते हैं, आपके पांव छूते हैं, उम्र से बड़े लोग, आज उनका बच्चे की उम्र का उम्र, लेकिन ऐसे बड़े बड़े लोग जब पांव छूते हैं और फोटोग्राफ फोटोग्राफ के लिए पीछे आते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जिंदगी पूरी बदल सी गई है। और मैं वादा करता हूँ, आप बड़े, कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, आपकी नौकरी की पोजीशन कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप पर डे इतना सम्मान, इतनी इज्जत नहीं पा पाएंगे जितना सम्मान और जितनी इज्जत आपको ये देगा। और मैं ये भी वादा करता हूँ, कुछ समय बाद, आरसीएम में आने के कुछ समय बाद, आपको आपका पर डे दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन लगना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। आप ऐसा बोलोगे, आज का दिन बड़ा खूबसूरत था, तो अगला दिन आएगा वो बोलेगा, नहीं नहीं यार, कल तो कमजोर हो गया, आज का दिन और ज्यादा खूबसूरत है। ये आरसीएम आपको देगा दोस्तों, और ऐसा वक्त आपका इंतजार कर रहा है, ऐसा समय आरसीएम में आपका इंतजार कर रहा है। सिर्फ थॉट्स बदल लो, सिर्फ सोच बदल लो, और एक बार हमारे साथ आ जाओ फ्रेंड्स, वादा करते हैं, जो सपने आप उम्र के साथ साथ तोड़ चुके, मैं वादा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से वो सपने वापस से जिंदा हो जाएंगे, और आपको सारे सपने मिल जाएंगे, और आप आसमान की ऊंचाइयों पर एक दिन उड़ना चालू कर दोगे, एक बाज बन जाओगे, और बाज आपको जानते हैं कितनी ऊंचाइयों पर उड़ता है, और उसकी नजर हमेशा नीचे रहती है, तो आप भी बाज बन जाओगे और आपकी नजर हमेशा अपनी टीम पर रहेगी। ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा कमिटमेंट, ऐसी ताकत, ऐसी एनर्जी आपको आरसीएम के लीडरों के द्वारा, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, कंपनी के मालिक के द्वारा, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, इन सब चीजों से आपको एनर्जी मिलेगी। बहुत बढ़िया सर। रवि सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज मजा आ गया, और आज के प्रोग्राम को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। लास्ट मैसेज आप क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे, कोई एक लाइन का लास्ट मैसेज? सर मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहूंगा कि बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी को लाइनें बड़ी अट्रैक्ट करती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसका लास्ट पद आपको सुनाना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। याद रखिए फ्रेंड्स, चैलेंजेस और संघर्ष इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो मिस्टर अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे आप और मैं हो। भगवान राम को भी 14 साल वनवास जाना पड़ा, बच्चन जी को बैंकरप्ट होना पड़ा, और आप हम भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष जिंदगी का एक हिस्सा है, संघर्ष से डरो मत, संघर्ष से लड़ना सीख जाओ, और इसी तरीके से आप लड़ोगे तो ये जो लाइनें मैंने बोली ना फ्रेंड्स, ये लाइनें नहीं है, ये हमारी जिंदगी का एक कड़वा सत्य है, जिसे हमें रोज याद करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता एक दिन जरूर आप लोगों को मिलेगी, दुख और परेशानियां सबकी जिंदगी में आती है, चाहे वो रवि शर्मा हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको फेस करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा कर जाएंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम आपके साथ काम कर रहा है,
पहले आप अकेले दौड़ा करते थे, अब एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिक एजुकेशन सिस्टम का आपके साथ दौड़ने को तैयार है, हमारे लीडर्स आपके साथ काम करने को तैयार है, सिर्फ आपका कमिटमेंट चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, नेगेटिविटी को जिंदगी से निकाल दीजिए और बचिए उन लोगों से जो आपको नेगेटिव करते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो, और अगर जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन कोई आपका वेलकम करे ना करे, कोई और खुश हो ना हो, सबसे पहले खुश होंगे आरसीएम आपकी अपलाइन, और उसके बाद खुश होंगे आपके परिवार में आपकी बीवी और आपके बच्चे। तो इसी खुशी का हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आप आइए, अपने सपने पूरे कीजिए, और मैं महावीर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि महावीर सर लगातार आप ऐसे नए नए फेसेस को लाते रहिए, नए नए लोगों को लाइए जिनका अनुभव हम लोग आपस में शेयर करें, हमारे तक वो अनुभव पहुंचे और हम लोगों तक वो बातें पहुंचाएं और हम लोगों को बताएं कि किस तरीके से एक आम आदमी इस बिजनेस में आके खास कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, स्टूडेंट हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो किसी गाँव का हो, चाहे वो किसी शहर का हो, चाहे वो किसी स्टेट का हो, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे वो किसी विलेज का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इसी तरीके से अपने सपनों को जिंदा रखिए, दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा, लेकिन यह प्लेटफॉर्म मैं वादा करता हूं 5 साल अगर आपने सिस्टम को फॉलो कर लिया, कौन सा वो सिस्टम, बेसिक्स, कोर एंड कार्डिनल, इनको अगर आपने ढंग से टीम को सिखा दिया और खुद ने फॉलो कर लिया, तो एक दिन आप इसी मंच पर होंगे, और हो सकता है आज इस कुर्सी पर रवि शर्मा बैठा हो, एक दिन हो सकता है कि हिंदुस्तान का कोई ना कोई शख्स इसी कुर्सी पर आके बैठेगा और महावीर जी उसका इंटरव्यू ले रहे होंगे। ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, बस कमिटमेंट आपको करना है उस सफलता के लिए। थैंक यू सो मच महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया उसके लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रवि शर्मा जी, आरसीएम बिजनेस में स्टार डायमंड के लेवल पे, जिन्होंने आज इतनी शानदार जानदार एजुकेशन हम सबको दी। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और लास्ट बात आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्या चाहते हैं आप नेक्स्ट किन मेहमान को इस चैनल पे आप चाहते हैं, उसका नाम भी कॉमेंट में जरूर लिखिए। और आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर कॉमेंट करिए सर। और एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चैनल आप सब लोगों का चैनल है, इसीलिए सब लोगों का सुझाव और राय हम लगातार लेते रहेंगे। आपको क्या लगता है सर, सक्सेस टॉक विद सक्सेस पीपल, ये जो अपने एक सीरीज शुरू की है, इसको क्या लगता है हर 7वें दिन करना चाहिए, या 15 दिनों में एक बार करना चाहिए, या 1 महीने में एक शख्स के साथ बातचीत करनी चाहिए? मेरी पर्सनल राय ये है, बाकी आप लोग जो डिसाइड करेंगे वो करेंगे। मेरे को लगता है जब भी किसी हम सक्सेसफुल पर्सन की बात सुने और वो जो बात अपने को बताए, जो माइंड सीट वो अपने को दे, उनको अपने को कम से कम 15-20 दिन सुनना चाहिए, टीम में अप्लाई करना चाहिए और उसका फॉलोअप का टाइम मिलना चाहिए। तो मेरी राय पे ऐसी है, महीने में 1 या 2 बार ये प्रोग्राम होना चाहिए। बाकी आप जो ठीक समझेंगे उन सब लोगों को हम लेके आएंगे आपके प्यार और सम्मान के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो लोगों ने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदुस्तान की हर बड़ी शख्सियत को, जिनको भी आप यहाँ लाना चाहते हैं उनका नाम लिखिए, हम सब लोगों को लाएंगे और आपको कामयाबी का माइंड सेट देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, जय आशीर्वाद।